हेलो बच्चों बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड होता है फ्रेस्नेल डिस्टेंस। फ्रेस्नेल डिस्टेंस को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, ये स्लिट से स्क्रीन का एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, जिसको हम डिफाइन करेंगे द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम स्लिट so that the spreading of light due to diffraction due to diffraction from center of screen is just equal to the size of the slit. This distance is called Fresnel distance. इसको हम डिनोट करते हैं जेड एफ से, डिनोटेड बाय जेड एफ, इस तरह से, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग दिस डेफिनेशन द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज इक्वल टू द साइज ऑफ द स्लिट। इसका मतलब क्या है? y1 = a, ठीक है। y1 = a, जब y1 = a के हो जाएगा, ये a क्या लिया था हमने, विड्थ ऑफ द स्लिट, ठीक है, और y1 डिस्टेंस था सेंटर से, तो y1 = a के हो जाएगा, ठीक है। और उस समय जब y1 = a के हो जाएगा, उस समय जो स्क्रीन का डिस्टेंस है स्लिट से, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, वो डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फ्रेस्नेल डिस्टेंस, विच इज डिनोटेड बाई जेड एफ। तो y1 = a और z d = z f, ठीक है। देन अकॉर्डिंग रिलेशन जो हमने पिछली वीडियो में डिराइव किया था, रिलेशन y1 = d λ/a, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फ्रेस्नेल डिस्टेंस पर, अब देखो इस कंडीशन में y1 = a हो जाता है और d = zf, यानी फ्रेस्नेल डिस्टेंस। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को हम चेंज कर लेते हैं इन एक्सप्रेशन में, y1 = रख लेते हैं a और d = रख लेते हैं zf, फ्रेस्नेल डिस्टेंस, और बाकी सब चीज़ों को वैसा ही रखेंगे, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम अब जेड एफ़ की वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, जेड एफ़ फ्रेस्नेल डिस्टेंस, z f = a × a, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, लेमडा, ठीक है। तो z f = a² / λ।
ये इक्वेशन बन गई फ्रेसनल डिस्टेंस के लिए। अब देखो इसका मतलब, इसका इम्प्लीकेशन क्या है। इसका इम्प्लीकेशन ये है, एट जेड एफ यानी जब स्क्रीन का डिस्टेंस स्लिट से जेड एफ के इक्वल होगा, द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डिफ्रैक्शन, द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डिफ्रैक्शन विल बी क्वाइट लार्ज, एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द स्लिट, क्वाइट लार्ज एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ स्लिट। ठीक है, ये इम्प्लीकेशन है इसका। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, अब देखो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट ऑब्जेक्ट। इट इज द स्मॉलेस्ट सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। स्मॉलेस्ट सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एट विच दे आर अपीयर जस्ट सेपरेटेड, एट विच they appear just separated। दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच का वो डिस्टेंस जब वे एक दूसरे से अलग हमें दिखाई दें। ठीक है, appear just separated is called limit of resolution, ठीक है। और ये तो हो गया लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अब हम बात करेंगे रिजॉल्विंग पावर, बच्चों जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का जो रेसिप्रोकल होता है इट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। सिंपल सिंपल है ये, द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। ये रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है? ये यूज होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, जैसे माइक्रोस्कोप है जिसमें हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं, या टेलीस्कोप है जहाँ जिसमें हम दूर की चीज़ों को देखते हैं, उनके रिलेशन में ये टर्म्स यूज़ होती हैं। उन्हीं के लिए यूज़ की जाती है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर। अब देखो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो लिमिट ऑफ जो रिजोल्यूशन है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी क्या है? जस्ट रिजॉल्वड,
जस्ट रिजॉल्व्ड। जस्ट रिजॉल्व्ड क्या है? इफ द सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट, सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा, बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज जस्ट इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा, इज जस्ट इक्वल टू द, इज जस्ट इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम एंड द फर्स्ट मिनिमम, इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम एंड फर्स्ट मिनिमम, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम एंड फर्स्ट मिनिमम, देन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड जस्ट रिजॉल्व्ड। ठीक है, जस्ट रिजॉल्व्ड। अब ये आपको इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा जस्ट रिजॉल्व्ड क्या है। डिफ्रैक्शन पैटर्न हमने देखे थे, ये एक ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न है, यानी एक ऑब्जेक्ट जो दो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना उनका डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये। अब जो है जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न ये है। ठीक है, ये दोनों के मैक्सिमा एक दूसरे से इस तरीके से सेपरेटेड है, तो इस कंडीशन को कहेंगे जस्ट रिजॉल्व्ड, मतलब हल्का फुल्का सा रिजोल्यूशन हो गया, इमेज थोड़ी सी अलग अलग दिखाई देगी दोनों ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है वेल रिजॉल्व्ड, सेकंड कंडीशन इज वेल रिजॉल्व्ड, वेल रिजॉल्व्ड। इन वेल रिजॉल्व्ड कंडीशन द सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम एंड फर्स्ट मिनिमम। इन दिस केस द सेपरेशन, द सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम, सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम, बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम एंड बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज लार्जर, इज लार्जर देन द, इज लार्जर देन द डिस्टेंस, इज लार्जर देन द डिस्टेंस देन द सेंट्रल मैक्सिमम एंड फर्स्ट मिनिमम, डिस्टेंस देन द सेंट्रल मैक्सिमम एंड फर्स्ट मिनिमम। Of any other object, then objects are called well resolved। ये आपको यहाँ इस डायग्राम से समझ में आएगा, well resolved का डायग्राम कैसा होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न का डायग्राम बनाएंगे। ये है,
एक ऑब्जेक्ट की इमेज का डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये, जो दूसरे वाली का होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में, इन दिस कंडीशन दीज आर कॉल्ड वेल रिजॉल्व्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन है अनरिजॉल्व्ड, थर्ड कंडीशन अनरिजॉल्व्ड, अनरिजॉल्व में क्या होता है, द सेपरेशन बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम एंड सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, मैक्सिमम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज स्मॉलर देन द डिस्टेंस देन द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम एंड फर्स्ट मिनिमम, एंड फर्स्ट मिनिमम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बनेगी कंडीशन डायग्राम के अकॉर्डिंग, इसमें बनेगा ये यहीं आ जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अनरिजॉल्व्ड, ये कंडीशन है तीन रिजोल्यूशन की। अब देखो अब हम बात करेंगे रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब बच्चों इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू डी, स्मॉल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी देन इट इज गिवन बाय d इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अब क्योंकि रिजॉल्विंग पावर इसका क्या होती है, रिसिप्रोकल होती है, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट ऑफ
resolution. Then resolving power is equal to 1 upon D is equal to 1 upon 1.22 lambda upon 2 sin theta is equal to, ये ऊपर चला जाएगा 2 sin theta upon 1.22 lambda. ये रिजॉल्विंग पावर होगी माइक्रोस्कोप की, ठीक है. तो माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर को हम जो है कम वेवलेंथ की लाइट को यूज़ करके हम इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है. इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे टॉपिक को. नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.